केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह पद की शपथ लेने के बाद कल पहली बार बिहार आए। गिरिराज सिंह का लोगों ने पटना एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत किया। इसके बाद आज पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा और हाथीदह में जगह जगह सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। लोगों ने बिहार के सीएम कैसा हो, गिरिराज सिंह जैसा हो तथा श्री राम के नारे भी लगाए। जी हाँ, आपने सही सुना, गिरिराज सिंह को बिहार का अगला मुख्यमंत्री के तौर पर जनता प्रोजेक्ट कर रही है। गौरतलब है कि गिरिराज सिंह मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय आए। इसी दौरान मोकामा में भाजपा नेता शशि शंकर शर्मा, संजय कुमार, पंकज कुमार, शैलेंद्र सिंह आदि वहां मौजूद थे। इन पदाधिकारियों के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गिरिराज सिंह को फूलमालाओं तथा अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि पहले मोदी मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद ठुकराना, उसके बाद बिहार में अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में बीजेपी को जगह नहीं देना, इसके बाद झारखंड में अकेले चुनाव लड़ना, कहीं ना कहीं ये बातें जदयू की अब गिरिराज सिंह को रास नहीं आ रही। गिरिराज सिंह इन बातों पर मुखर होकर बोल रहे हैं और यहां तक कि उनकी पार्टी से भी उनकी आलोचना हो रही है, इसके बावजूद वो चुप नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में पहुंचने पर भी उन्होंने ऐतराज जताया था। बिहार में राजग का भविष्य जो भी हो, मगर एक बात स्पष्ट है, गिरिराज सिंह जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, अब कहीं ना कहीं जनता ने भी और उनके कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें नीतीश कुमार के समकक्ष खड़ा कर दिया है। जब 2020-21 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बिहार भाजपा की तरफ से अगर गिरिराज सिंह का नाम उछाला जाएगा तो कहीं ना कहीं सामने नीतीश कुमार भी अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपने ही गठबंधन से एक बड़ा चेहरा चुनौती दे रहा है। ऐसे में एनडीए का भविष्य, खासतौर पर बिहार में जब नीतीश कुमार की सीधी नजर आने वाले चुनावों पर है, कहीं ना कहीं लगता है खस्ता हाल हो रही है। महागठबंधन और एनडीए की इस सियासत पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और आपकी नजर, जैसा मैंने पहले ही बताया था, न्यूज बिहार और भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।